आज की इस ऑनलाइन क्लास की घड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे कल हमने सेनापति का देखा, आज देव का है अध्ययन करेंगे। देव के है पदों को पढ़ेंगे। देव के पदों में सबसे पहले हम पाठ शुरू करने से पहले हम देखते हैं उनका कवि परिचय। कवि परिचय में आप देव का देखोगे कि उनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ, उनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई। देव को कहा जाए तो सेम जैसा है सूरदास की तरह है, उसे देव ने भी अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही माना था। सूरदास के आराध्य भी श्री कृष्ण ही थे। यहाँ पर भी देव ने भी ज्यादातर अधिकतर अपनी जो रचनाएं हैं श्री कृष्ण से संबंधित लिखी है। तो अब कृष्ण से संबंधित लिखी है तो इनकी मुख्य भाषा भी ब्रज भाषा ही है। वही अपने साथ में तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग होता है, साहित्यिक ब्रज भाषा का है उपयोग किया। साथ ही साथ अब श्री कृष्ण का है तो सिंहार रस को है प्रधानता दी गई, माधुरी रूप प्रधानता दी गई। अब क्या देखते हैं कि सूरदास की तरह ही आपको है ये याद रखना है। देव का कवि परिचय में सूरदास की बातें ही आती है कि जैसे सूरदास का ब्रज भाषा तो देव का भी ब्रज भाषा रहेगा। इनका सिंगार रस माधुरी गुण तो देव का भी है, सिंगार रस माधुरी गुण होता है। उनकी शैली भी है पूरी तरह से, जैसे कई पर विज्ञापन आती है, कई पर उनको बातें बताई जाती है, किसी कृष्ण की बातें बता दी, नीति परक बातें बता दी, कुछ सिंगार से संबंधित बातें बता दी, तो उसी तरह से ही इनके वात्सल्य की बातें बता दी, तो दोनों का है मिलकर जुलकर ही रहता है। अब इनकी रचना की बात करें, रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, वत्स विलास से यूं तो इनकी 52 रचनाएं हैं। इनकी मुख्य रचना की ऐसे तो बहुत सारी होंगी परंतु इनकी मुख्य 52 रचनाएं जो है हमें मिलती है, जिसमें से कुछ है आपके सामने है। तो याद करने के तरीके से आप किसी तरह बताए, इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। अब हम बात करते हैं अपने पदों की, किस तरह से इन्होंने अपने पद लिखे श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण से संबंधित है तो वही सिंगार रस माधुरी गुण रहता है। अब सबसे पहले देखेंगे इनके बाल सौंदर्य का वर्णन है। श्री कृष्ण के श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण इन्होंने कृष्ण की ही सारी बातें लिखी। अब जो आपका पहला पद है वह है श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, जिसमें आप ये ध्यान रखोगे कि किस तरह से देव ने उनके जो छोटे श्री कृष्ण हैं जब छोटे बच्चे थे 4-5 साल के या 2 या 3 साल के हम माने, इस तरह से वह कैसे लिखते थे उस सब की ये बातें बताई जाए। हमें शुरू करते हैं, पानी रूपों मंत्र बजे कटे इंद्री में भूमि की मधुरा सामने अंग रसे पटती ये उनसे बदमान सुहाई। बहुत ही अच्छी बात बताई हो, पढ़ने में भी मजा आता कि उनके पैरों में सुंदर से पायल बज रहे हैं। कटी इंद्री में भूमि की मधुरा कटी यानी उनकी कमर में इतनी बुंदुओं की आवाज बहुत ही कानों को प्यारी लगती है, मधुर लगती है कि एक छोटा बच्चा है जिसके हम देखते हैं पैरों में उसके पायल पहना भी और कमर पर जिसे हम इतनी बोलते हैं घुंघरू पहनाते हैं, चैन बनी भी होती है और उसमें घुंघरू लटक रहे होते हैं और उसकी धुन बच्चा चलता है तो बहुत ही प्यारी लगती है। सामने अंग रसे पट भी उनका सामना है और उस पर पट पीले वस्त्र है बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। ये उनसे वरमान सुहाई हृदय पर वनों की माला बहुत ही शोभा दे रही है, बहुत ही ज्यादा सुहा रही है। माथे के बड़े ढक चंचल मंद असी भूख जल्द जिनाए और माथे पर मोर पग भरण बदल है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही चंचल नेत्र है मंद हसी और उनके चेहरे पर जो मंद हसी है वह है जैसे चंद्रमा की चांदनी पड़ती है उसी के समान उनका मुख भी चमक रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर जिस तरह मंदिर में मंदिर की सुंदरता दीपक से होती है उसी तरह जय जग मंदिर दीपक सुंदर की दीपक की सुंदर मंदिर की सुंदरता किसमें होगी, दीपक से है मंदिर सुंदर लगता है उसका उजाला है, दीपक के उजाले से मंदिर जगमग करने लगता है तो
उसी तरह से श्री ब्रज देव सहाय, और देव देव कहते हैं कि उसी तरह से ब्रज घूमने के समान श्री कृष्ण है मथुरा की ब्रज की है शोभा बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से देखिए देव जो है बहुत ही प्यारे एक छोटे बच्चे का श्री कृष्ण का है सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके पैरों में बहुत ही सुंदर पायल बन रही है, उनके कमर पर है गर्दनी बंधी भी है, उनके माथे पर है मोर पंख धारण किया हुआ, मुख पर है से बड़ी सी चांदी के समान मुख उनका चमक रहा है। और जिस तरह जप के लिए संसार में जिस तरह जैसे मंदिर यानी मंदिर में जिस तरह से एक दीपक है उसका सुंदरता का प्रतीक होता है, उसी तरह ब्रज दूल्हा भी जो ब्रज के दूल्हे जिसको बताया है श्री कृष्ण को बताया गया उसी तरह वो शोभायमान हो रहे हैं। आगे में आता है अब यह आई है गोपियों की बात। इसमें हमने देखा इसका सौंदर्य का वर्णन था। अब जो है दूसरे पद में एक गोपी अपनी सखी से कहते हैं कि अब ये जो यहाँ पर आई थी वो किस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है, श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरह से पड़ी है। यहाँ पर जो इसने खुद का उदाहरण दिया साथ ही साथ एक मधुमक्खी होती है वह शहद में गिर जाए तो वह निकल नहीं पाती, उसी तरह इस गोपी ने अपने आप को एक शहद की मक्खी के समान बताया। शहद की मक्खी होती है तो वह एक शहद में गिर जाए और उसको शहद को खाने के लिए वो उसमें गिर तो गई है और वो उससे निकलना चाहती है वो निकल नहीं पाती है। उसी तरह धार में धार कैसी गिरा धार हुए जाए कैसी उसी ने आपे अब मैं उस धार में जाके फंस गई हूँ जाए कैसी उसी ने आपे अब उससे ऊपर नहीं पा रही निकल नहीं पा रही। तो यहाँ पर जो है गोपी अपनी सखी से कहती है मैं कृष्ण के प्रेम में यहाँ पर क्या बात आई है कि कृष्ण के प्रेम में मैं इस तरह से जिस तरह मक्खी डूबती है जिस तरह मक्खी है शहद में डूब जाती है उसी प्रकार मैं भी है डूब चुकी हूँ। अंग्राज गिरी गई गरी फेरी फिरी वो गिरी नहीं गिरी कि मैं खूब इधर उधर घूम रही हूँ इधर से उधर जाना चाहती हूँ परंतु वह कहे जैसे जैसे मैंने आगरा की मैं उधर से इतनी अंदर चलती गई अंदर गहरी होती गई कि मैं उससे निकलना चाहती थी परंतु मैं निकली नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें साथ चलते हैं ध्यान देना बच्चों कि किस तरह से कि एक मधुमक्खी है शहद में गिरी तो उसने अंगड़ा की बाहर निकलने के लिए परंतु यहाँ पर वो निकली तो नहीं और गहरी जाकर तो उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में गोपी भी गिरी कि उससे निकलना चाहती थी परंतु निकली तो नहीं और गहरी थी उसी गहरा प्रेम में वो गया है। देव बच्चों अपनो बसना रस कागज लाल चीते भरी चेली और अब गोपी कहती अब तो मेरे ऊपर मेरा खुद का बस भी नहीं रहा। बातों के लालच में उसकी आंखें हैं बड़ी चितेरी है चितवन सी है तो मन भाने वाली होती है तो उसके प्रेम में मैं बस चुकी हूँ। देखिए ये पूरी गई मक्खियाँ अक्खियाँ मधु की मक्खियाँ मक्खियाँ खड़ी गई। तो यहाँ पर जो बताया कि किस तरह से जल्दी जो है उधर से निकलना चाहती थी श्री कृष्ण के प्रेम से परंतु वह निकल नहीं पाई और उस जल को उसी में डूबती चली गई। उसकी आंखों में भी अब शब्द है श्री कृष्ण के प्रेम की ही बातें दिखती है। तो ये बताया कि किस तरह से एक मधुमक्खी है रस शहद में गिर जाए तो वह उससे उबर नहीं पाती है वह उसका रस लेती है परंतु वह उन्हें चाहती है मैं यहाँ से निकल लो पर नहीं वह उसके गहरी गहरी डूबती भी जाती है। उसी तरह से गोपी भी अपने प्रेम के कारण श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया कि उनसे दूर नहीं हो पाई। उसी तरह एक दूसरी गोपी है उसको भी है रात में एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया कि देखिए कि गहरी गहरी झीली बूंद है पड़ती पड़ती मानो गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। अब यह एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिनी जिनी जो रिमझिम बारिश होती है वो हो रही है और बादलों चारों तरफ है बादल है गहरे गहरे बादल छा गए घटा गिरी है गगन में आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। आनी गयो श्याम कोसो चलो झूली में तो आज और उसको ऐसा स्वप्न आया है कि श्याम उससे कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं परंतु फूली का समाधि भरी ऐसी हो मगर अब जब श्री कृष्ण ने बोला है तो वह है उससे फूली रही समाधि कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है
कि मेरे ऐसे देखो और भाग्य कि कृष्ण ने मेरे को झूला झूलने के लिए बुलाया है। और वो ऐसे ही मगन हो गई, इतनी मगन हुई है कि चाहती हुई हो उड़ी गई से भी मोड़ी नहीं। अब है नींद वो तो स्वप्न देख रही थी, अब जैसे ही है उसने उठना हुआ उसका उठना हुआ और उसकी नींद है जग गई, वह नींद से उड़ गई। अब वो निगोड़ी नींद बताया कि ये कैसी अभगन नींद, नींद में थी मैं तो, ये कि मेरे सच मेरे सामने होता तो कितना अच्छा होता, ये तो मैंने एक स्वप्न देखा, उसका सपना टूट गया। सोए गए भाग मेरी जानी जागी वह जगन में, और जो है मेरे भाग कितने अच्छे थे वो है अब मेरे भाग ही सो गए। आंखें खोली देखो तो वहां पर आंखें खोली तो देखा कि ना तो यहाँ पर धन है ना ही कलश्याम, ना तो इधर कोई बादल आया ना ही इधर श्री कृष्ण आए हैं। मेरी छाई बूंदे मेरी आंसू हमें गगन में, बूंदे कैसी छाई है जैसे रिमझिम बारिश हो रही थी उसी के समान उसकी आंखों से भी रिमझिम बारिश होने लगी है और उसकी आंखों में है आंसू भर गए। इस तरह से एक गोपी ने अपने है सपने का वर्णन है अपनी सखी से किया कि किस तरह से देखो सखी एक मेरे को सपना आया जिसमें मैंने अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझा कि श्री कृष्ण मेरे को बुलाने आए मेरे साथ झूला झूलने आए और मैं बहुत ही खुशी समाई, परंतु ऐसे मेरे का भाग्य है ऐसा सौभाग्य काम रात को आगे बोली नींद मेरी आगे वापिस से जग गई मेरा सपना टूट गया और बड़े ही मेरे भाव खराब हैं। तो मैं आंखें खोली तो देखा कि ना बदलने ना गंजाम, और मेरी जिस तरह से बूंदे छा रही थी पहले रिमझिम बारिश हो रही थी मेरी आंखों से भी रिमझिम बारिश होने लगी। अब हम इसमें देखें हम अलंकार की बात करेंगे तो देखो कि इसमें सबसे पहले कटिंग हिंदी की बताया अनुप्रास अलंकार की बात होती है, साथ ही जेजु मंदिर और ब्रज मंदिर के समान को बताया जहाँ पर मुख्य अलंकार का योग हुआ है पट्टी में अनुप्रास अलंकार का। अब धार में धाय जैसे ये सारा भगवत की बात है तो इसमें क्या है कि अनुप्रास अलंकार का योग हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उदाहरण आया है उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है कि मधुमक्खी का जो मधुमक्खी है शहद का उदाहरण देते हुए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का योग किया है। यहाँ पर बात आई है जैसे यहाँ पर पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार है इस पर ध्यान दे देना। और यहाँ पर जो घन है घनश्याम की बात करें तब यहाँ पर जो है घन भी आया घन दूसरा घन आया तो यहाँ पर एक तो घन आया बादल के लिए एक घन आया घनश्याम जो आया है वह है श्री कृष्ण के लिए तो यहाँ पर गमक अलंकार होता है। तो इसमें क्योंकि आपको ध्यान देना कि किस तरह से अलंकार भी है और किस तरह से छोटी सी कवि आपके एक छोटे पद हैं फिर भी इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है। तो ये आपका यहीं पे अध्याय समाप्त होता है।